is be remembered for passion and enthusiasm. Conservation is my job, my life, my whole persona. Welcome viewers. अगर आप एक 90s kid है तो आप इस इंसान को जानते ही होंगे. डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट में जब भी आप टीवी देखेंगे हर वक्त यही रहते हैं. हम सभी को वाइल्ड एनिमल्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. उसी समय कुछ वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और कुछ ही लोगों को उन जैसा खतरनाक जानवर को देख के डर नहीं लगता है और उन जानवरों को रिस्पेक्ट भी करते हैं और अपने जान की भी परवाह नहीं करते. उस तरीके का प्यार उन जानवरों के ऊपर रखते हैं. उनमें से एक है स्टीव इरविन, लेकिन उनके फैंस और फैमिली मेंबर्स ने उनका नाम द क्रोकोडाइल हंटर रखा. बचपन में मैं इनका शो बहुत देखा करता था. उसी समय अचानक इनकी मौत ने पूरे दुनिया को चौंका दिया था. सो स्टीव के साथ क्या हुआ, उनका लास्ट मिनट क्या था, उनकी मौत कैसे हुई, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टीव सिर्फ एक टीवी पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, नेचर कंजर्वेशन एडवोकेट और एक जू कीपर भी थे. स्टीव अपने लाइफ के ज्यादातर टाइम जानवरों के साथ ही स्पेंड किया है. स्टीव के मम्मी और पापा दोनों एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे. स्टीव अपना बचपन मगरमच्छ के साथ ही बिताए हैं. उनका बचपना हम लोग के जैसा नॉर्मल नहीं था. जब वो 6 साल के थे तो अपने हाथों से उन्होंने 12 फीट पाइथन को पकड़ लिया था. जब वो 9 साल के हो गए तभी से मगरमच्छ को हैंडल करने लग गए थे और वो बड़े होते होते उनका इंटरेस्ट जंगलों में और वहां रहने वाले जानवरों के ऊपर आने लग गया था. क्वींसलैंड में 100 से भी ज्यादा मगरमच्छों को वॉलंटियर बन के पकड़ने लग गए थे. में उस पार्क को वो खुद चलाने लगते हैं. 1998 में अपने पार्क का नाम ऑस्ट्रेलियन जू रखते हैं. 2006 स्टीव तब 44 साल के थे. उस टाइम टीवी चैनल्स में 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही पॉपुलर थे. क्रोकोडाइल हंटर करके इनका सीरीज पूरे दुनिया में हिट चल रहा था. स्टीव कभी भी खाली नहीं बैठते. उस टाइम में इनको शादी होके 2 बच्चे थे, 8 साल की बिंडी और 2 साल का रॉबर्ट पैदा होते हैं. स्टीव अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनका लाइफ भी बहुत अच्छे से जा रहा था. सितंबर 2006 स्टीव और उनका क्रू ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कोस्टल टाउन पोर्ट डगलस में थे. ओशंस डेडलीएस्ट करके एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए उनका क्रू रेडी हो रहा था. स्टीव बहुत खुशी से अपना काम कर रहे थे. तभी द क्रोकोडाइल हंटर के प्रोड्यूसर और स्टीव के बेस्ट फ्रेंड जॉन स्टैटन को अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा था. बोला जाए तो ओशन डेलियस करके इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के 3 हफ्ते पहले ही जॉन डिस्कवरी चैनल को कॉल करके इस डॉक्यूमेंट्री को स्टॉप कर लेते हैं करके बोलते हैं. लेकिन डिस्कवरी चैनल इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत खर्चा कर दिया था, इसीलिए इसे अभी स्टॉप नहीं कर सकते करके बोलते हैं और जॉन उनके प्रेशर के कारण इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं. इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के कुछ दिन पहले ही स्टीव अपने क्रू मेंबर्स को थैंक यू करके एक स्पीच देते हैं. बाकी सबको ये स्पीच नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन शो के डायरेक्टर और स्टीव के बेस्ट फ्रेंड जॉन को स्टीव का ये स्पीच बहुत ही डिस्टर्बिंग लग रहा था. एक लास्ट स्पीच की तरह उनको ये फील हो रहा था. वो 2006 सितंबर 4 मंडे था. स्टीव को वो एक नॉर्मल सा दिन लग रहा था. उस दिन सुबह वो जल्दी उठते हैं और अपने 75 फीट लंबे बोट में अपने क्रू के साथ वो जाते हैं. स्टीव और जॉन चाय पीते पीते समुंदर को देख रहे थे और स्टीव अपने लाइफ में हुई सारे अच्छी चीज जॉन के साथ शेयर कर रहे थे. स्टीव बहुत ही हैप्पी मूड में थे और एडवेंचर के लिए रेडी थे. तभी उनके क्रू मेंबर्स ये नोटिस करते हैं कि वेदर बहुत ही क्लाउडी है, इसीलिए ओशंस डेडलीएस्ट अभी इस मौसम में शूट नहीं कर सकते हैं. ऐसा सोच के वो लोग वेदर क्लियर होने तक वेट करते हैं.
सो ये लोग वेट करने समय पर अपने छोटी बेटी का एक वाइल्ड लाइफ टीवी शो डिस्कवरी किड्स चैनल में आने वाला था। बिंडी द जंगल गर्ल करके बिंडी ही इस शो को प्रेजेंट करने वाली थी। बिंडी ये शो चलाने के वजह से अपने पापा के जैसा जानवर के बारे में छोटे बच्चों को एजुकेट करना चाहती थी। स्टीव को ये आइडिया बहुत ही पसंद आई थी। बिंडी भी एक मिनी स्टीव करके बोल सकते हैं। सो अपने बेटी के लिए एक वीडियो शूट करने के लिए अपने कैमरामैन से स्टीव तुरंत रेडी होने को कहते हैं। हम लोग एक डाइव करने चलते हैं और देखते हैं कि कोई टाइगर श्राक हमें मिलता है कि नहीं, लेकिन उनके ढूंढने पर भी वहाँ पे उनको कोई भी टाइगर श्राक नहीं मिला। लेकिन उस समय पे उनको शार्क फैमिली से जुड़ा स्टिंगरे दिखाई देता है। सो वो स्टिंगरे को कैमरा में शूट करने लगते हैं। एक्चुअली ये लोग अपने मेन बोट से थोड़े दूर में हवा से भरा हुआ बोट, एक छोटे से बोट में आए थे और उस जगह पे पानी गहरा नहीं था। स्टिंगरे एक खतरनाक जानवर नहीं है। यस, उसके पास स्टिंग्स तो हैं, लेकिन बाकी शार्क्स की तरह ये बहुत अग्रेसिव नहीं है। और बोला जाए तो जब भी स्टिंगरे ये महसूस करती है कि उसका जान को खतरा है तो वो तुरंत उस जगह से तैर के चली जाती है या अपने आप को वो बालू में छुपा लेती है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस में ही ह्यूमंस को वो अटैक करती है। अगर उसको आप जाके डिस्टर्ब करोगे या उसके ऊपर आप गलती से पैर रख दोगे तभी वो आप पे अटैक करेगी। सो स्टीव और उनके कैमरामैन के सामने एक बहुत ही सुंदर 6 फीट का स्टिंगरे दिखाई देती है। थोड़ी ही देर में जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसे ही स्टिंगरे को वो लोग फिल्म कर लेते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर अपने बेटी के लिए एक शॉट और लेना चाहते थे। स्टिंगरे अचानक ही बहुत अग्रेसिव हो जाता है। अपने पूंछ को ऊपर करके वो अपने स्टिंग से डायरेक्टली स्टीव के चेस्ट में जाके धस देती है। एक या दो बार नहीं बल्कि 1 मिलीसेकंड में बहुत बार अपने स्टिंग से धस देती है। अब कैमरामैन जस्टिन लियोन ये सब चीज रिकॉर्ड कर रहे थे और अपना हाथ रिकॉर्डिंग बटन से नहीं हटाते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके के जानवर को हैंडल करते वक्त स्टीव के साथ ऐसा हो चुका था। और स्टीव ने कैमरामैन को एक ही रूल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना हाथ रिकॉर्डिंग बटन से नहीं हटाओगे। सो उस समय भी कैमरा रोल हो रहा था। स्टिंगरे उनसे दूर जाते वक्त स्टीव अपने खून में तैर रहे थे। अगले दिन सुबह मीडिया में स्टीव खुद ही अपने हाथों से स्टिंग को बाहर निकाला और तब तक उनके कैमरामैन जस्टिन इन सब को रिकॉर्ड कर रहे थे करके ये न्यूज़ फैलने लगता है, लेकिन सच्चाई वो नहीं था। स्टिंगरे स्टीव के चेस्ट को चीर के बाहर निकल गया था। स्टीव उस पानी में खड़े होते हैं जो उनके चेस्ट लेवल तक था और दर्द के कारण चिल्लाने लग जाते हैं और अपने कैमरामैन से ये कहते हैं कि वो मेरे लंग्स को पंचर कर दिया है। लेकिन सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था। कैमरामैन जस्टिन ने यह देखा है कि स्टीव के हार्ट में 2 इंच का होल है और उसमें से खून बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। स्टीव को तुरंत ही मेन बोट में लेके जाते हैं और कैमरामैन जस्टिन इस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ। सो कैमरामैन बहुत ही डर जाते हैं। अपने क्रू मेंबर्स के मदद से स्टीव के चेस्ट को ब्लॉक करते हैं और खून को निकलने से रोकते हैं। द क्रोकोडाइल हंटर स्टीव तुम्हें नहीं मरना है, अपने बच्चों के लिए तुम्हें जिंदा रहना है करके बोलते हैं, लेकिन स्टीव बहुत ही धीमी आवाज में कैमरामैन जस्टिन को देख के बोलते हैं आई एम डाइंग। यही उनके मुंह से निकला हुआ लास्ट वर्ड्स था। उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तुरंत कैमरामैन स्टीव CPR परफॉर्म करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। स्टिंगरे के अटैक से CPR तक सब चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। पैरामेडिक्स टीम तुरंत वहां पे आते हैं। स्टीव को चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि स्टीव ऑलरेडी मर चुके हैं। तब भी क्रू मेंबर्स उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन स्टीव के दिल में ज्यादा चोट होने की वजह से उनको नहीं बचा पाए। स्टीव का वो वीडियो पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया, फ्यूचर में भी कभी रिलीज नहीं करेंगे। जस्ट लाइक दैट सभी कुछ ही मिनटों में खत्म हो चुका था। जब ये हुआ था तब स्टीव की वाइफ और उनके 2 बच्चे टास्मेनिया में एक ट्रिप में थे। उनके साथ ये न्यूज़ को शेयर करते हैं। जरा सोच के देखिए कि उनको उस टाइम कैसा फील हुआ होगा और अपने बच्चों को ये बात उन्होंने कैसा बताया होगा करके। ये न्यूज़ सुन के वो वापस ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो जू के बाहर मेन गेट फूलों से भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में स्टीव के फैंस सभी लोग वहाँ आए हुए थे। टेरी ने उसके बाद शादी नहीं की। टेरी के अकॉर्डिंग स्टीव ही उनके सोलमेट हैं और उनके जगह कोई और नहीं ले सकता। सो टेरी उस जू को अपने बच्चों के साथ देखने लगते हैं। रॉबर्ट बड़े होने के बाद वो देखने में एकदम स्टीव की तरह दिख रहे थे। एनवायरनमेंट के बारे में और वहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में एजुकेट और अवेयरनेस क्रिएट करने वाले स्टीव को ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी।
सो गाइस, क्या आप इनको जानते हैं? क्या इनको आपने बचपन में अपने टीवी में देखा है? अगर देखा है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपका बेस्ट कमेंट्स अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।